सब्सक्राइब करें लाडली लाल चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो हो मेरी सबसे पहले आपके फोन में। श्री राधे भक्तों, मैं राघव गुप्ता एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ लाडली लाल चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस बनाने वाले हैं। देखने में आपको लग रही होगी कितनी हैवी ड्रेस है। मैंने इसमें ब्राउन कलर का वेलवेट कपड़ा यूज़ किया है, वेलवेट का फैब्रिक, और सैटन का भी फैब्रिक मैंने बैक साइड के लिए यूज़ किया है, और इसमें मैंने बुकरम भी यूज़ किया है। ये तीन चीज़ों से बनाया, और ये मैंने दो टाइप के गोटे लिए, मोती वाले और ये जरी वाला गोटा है, जरी टाइप का गोटा है ये। देखिए हाफ का ड्रेस है, यहाँ पे जॉइंट आया है ये, और मैंने ये पैच लिए हैं फूल वाले, ये चोली देखिए इस तरीके से। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 4 से 5 नंबर का पीस है, अब हम 2 से 3 नंबर का पीस बनाने वाले। देखिए बेस ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है, पीए वाला वीडियो देखिएगा, इसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे मेजरमेंट लेना है और आपको बेस कैसे बनाना है। उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखिएगा, इसका भी लिंक आपको आई बटन में ऊपर दिख रहा होगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि बेस मैंने कैसे तैयार किया, बेस और चोली दोनों मैंने कैसे रेडी किए। देखिए ये जरी वाला गोटा है, थोड़ा कॉस्टली आता है जरी वाला, और ये मोती वाला है, ये दोनों मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे। और देखिए ये पैच इस तरीके से, ये भी लेस आती है इस टाइप की, इसमें से मैंने कट किए हुए हैं, तो आपको जो भी डिज़ाइन के अवेलेबल हो जाएं आप वो ले लीजिएगा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि फ्लावर शेप में होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये हाफ कट मैंने बनाया, आप चाहें तो इसे फुल कट भी कर सकते हैं। देखिए मैं सैटन का फैब्रिक बैक साइड पर लगाया है, सेम कलर का है ये, देखिए यहाँ पर वाइट कलर का ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ये बुकरम लगाया हुआ है जो कपड़े में यूज होता है, ये वाइट वाइट हल्का सा दिख रहा होगा आपको, इसको पेस्ट करा है दोनों साइड मैंने, वो आप लिंक में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से बनाई। देखिए मैंने थाली रख ली हुई है ताकि हम इसमें ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे, अब चाहे ग्लू गन नहीं है आपके पास तो आप सुई धागे से भी वर्क कर सकते हैं। इसे देखिए इस तरीके से पहले मोती वाली लेस लगाएंगे, देखिए ग्लू गन से पूरी पेस्ट कर देंगे हम, इस तरीके से हमें ये पेस्ट कर देना है, ग्लू गन से एकदम पक्का हो जाता है, एकदम निकलता नहीं है ये। कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेलवेट है इस वजह से ये ब्राउन लिया है मैंने, आप वेलवेट जरूरी नहीं है, ब्राउन रेड भी अच्छा लगेगा आपको, या फिर येल्लो, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए इजली वो आप बना सकते हैं जन्माष्टमी के लिए। ये देखिए इस तरीके से इसे सेट कर देना है, इसे पूरा सेट कर देना, मोती का लुक काफ़ी अच्छा आता है किनारी पे जब मोती वाली लेस लगाते हैं तो। देखिए पूरी कंप्लीट कर ली है, अब इसे हम कट करेंगे, कट करते समय ध्यान रखिएगा इसका एक मोती ज़रूर निकलता है, जब भी आप कट करेंगे तो एक मोती निकल ही जाता है जब भी कट होता है, क्योंकि थ्रेड से ही जुड़े होते हैं। ये देखिए इस तरीके से एक मोती हम साइड में रख लेंगे, इसे हमें सुई से पक्का करना होगा अपने हाथों से, नहीं तो इसके और भी मोती निकलते रहेंगे अगर आप नीडल से इसे पक्का नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हम सेम कलर का गोल्डन कलर का मैंने थ्रेड ले लिया है, यहाँ पे कॉटन का थ्रेड है नॉर्मली जो हमारे घर में यूज़ होता है। और देखिए इन मोतियों में से पहले निकालेंगे, देखिए नीचे साइड में जाते हुए इसमें आपको समझ में आ जाएगा, जैसे भी आप लेस लेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कैसे मोती इसमें जॉइंट हुए हैं, वैसे ही आप वो दूसरा वाला मोती भी देखिए इसमें डाल के इसी तरीके से आपको जॉइंट कर लेना है मोती वाले। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ भी डालेंगे, छोटे वाले मोती होते हैं साथ में और बड़े वाले मोती होते हैं, इसी टाइप से हमें ये जॉइंट कर लेना है, आराम से करिएगा ताकि फिनिशिंग का काफ़ी ध्यान रखना है आपको, जितना फिनिशिंग रहेगी उतनी आपकी ड्रेस खिल के आएगी एकदम परफेक्ट। देखिए इसे दूसरी तरफ घुमा के फिर हमें निकालना है उस तरफ, उसी वाली मोती में से निकालना है लेकिन हमें दूसरी तरफ घुमा के गोटे के उस तरफ जाएंगे तब हमें निकालना है। देखिए इस नीडल इस वाली मोती में आके नीचे आके छोटे वाले मोती में आके हम इसके बाद हम इसमें गांठ लगा देंगे थ्रेड में, देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे गोटे में एक गांठ लगा देनी है, और हम थ्रेड को इसके बाद एक और गांठ लगा देंगे, उसके बाद हम ये थ्रेड को कट कर देंगे। देखिए कट करने के बाद देखिए इस तरीके से ये अब हम ये जरी वाला गोटा लगाएंगे, काफ़ी शाइनिंग करता है जरी वाला गोटा है ये, इसलिए काफ़ी शाइनिंग करता है ये। देखिए इस तरीके से हम एकदम यहाँ पर जॉइंट ख़त्म हो अपने लिए फिनिश कर देंगे, इससे पहले थोड़े थोड़े इसके धागे निकले रहते हैं इससे एकदम पहले। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे भी ग्लू गन के हेल्प से, मैं पहले ही बताया अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल नहीं है तो सेम वर्क आप सुई धागे से कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड आपका सेम कलर का होना चाहिए ताकि थ्रेड दिखाई ना पड़े।
गोल्डन कलर का थ्रेड आता है उसी तरीके कलर कर लीजिएगा। ये गोटा लेते समय जरी वाला आप ध्यान रखिए कि आराम से घूम जाए, इसमें जितना छोटा पीस होता है उतना घुमाने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा छोटा पीस है तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन परफेक्ट आ जाएगा धीरे धीरे करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। जितना बड़ा पीस होता है इतने ईजिली लग जाता है। देखिए इस तरीके से आपको पूरा गोटा पेस्ट कर देना है। देखिए इस किनारी खुली है, इसके भी हम पेस्ट कर देंगे धीरे से। देखिए हमने पेस्ट कर दिया अभी इसका। देखिए ये हम पैच पेस्ट करेंगे, पांच पीस लिए हैं, जितने आपके एडजस्ट हो जाए उतने हिसाब से आप कर लीजिएगा। देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए इसकी शाइनिंग कितनी खिल के आ रही है। देखिए पूरी जरी लगी हुई है इसमें, सितारे स्टार वाली जरी लगी हुई है, कितने खिल के गोल्डन जैसा आ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम इसकी पगड़ी भी लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्री राधे भक्तों।